खबर देहरादून से है, जहां शहर में यातायात जाम की वजह अतिक्रमण, सकरी सड़कें, क्षतिग्रस्त रास्ते, बेतरतीब पार्किंग से दौड़ रहे ऑटो रिक्शा को माना जाता था। लेकिन अब इनमें एक और नाम जुड़ गया है, जी हाँ, यानी कि ई रिक्शा। केंद्र सरकार की पहल पर ई रिक्शा से युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार तो मिला, लेकिन नियम तोड़ने की आदतों ने इन्हें शहर के लिए नासूर बना दिया है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर यह ई रिक्शा न सिर्फ भीषण ट्रैफिक जाम बल्कि आम आदमी के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन चुके हैं। बिना किसी रूट के हर चौराहे गली तक पहुंचने वाले ई रिक्शा का झुंड शहर में यातायात को प्रभावित कर रहा है। आम जनता का कहना है कि ई रिक्शा चालक अपने मनमाने ढंग से वाहन चलाते हैं, साइड मांगने पर गुंडागर्दी भी करते हैं। तो वहीं आरटीओ की माने तो ई रिक्शा चालकों के लिए एक स्थान का चयन किया गया है। इसके साथ ही आरटीओ ने लोगों की सुविधा को देखते हुए इसका संचालन भी शुरू किया था, जिसके बाद पॉलिसी बनाकर नियम बनाए जाएंगे ताकि चालकों के साथ साथ आम जनमानस को भी परेशानी ना हो। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों के द्वारा ये देखा जा रहा है कि जो आउटर एरिया है या छोटे छोटे एरिया है, वहां पर ई रिक्शों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से अब ट्रैफिक रेगुलेशन में भी समस्या आ रही है। इसको देखते हुए हमारे द्वारा पूरा प्लान बनाया गया है और ऐसे रूटों को सुनिश्चित किया गया है। पहले तो हम उन रूटों पर इनका संचालन बिल्कुल बंद कर रहे हैं जिन पर कि दूसरी गाड़ियों का संचालन किया जाता है। ऐसे हमने 6 रूट चिन्हित किए हुए हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ।